दिया। अरे ममता, अरे क्या हो गया भाभी? ठीक तो है ना? क्या हुआ, चिल्ला के रहते आप? छोरी ये सब क्या है? तूने ममता के गले में फंदा क्यों डाला? नहीं वो अच्छा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, ये कैसी अजीब अजीब हरकतें कर रही हो? नहीं बब्बल जी, वो मैं भैंस को। देख क्या बात कर रही इच्छा, ममता भाभी भैंस है? तो मतलब प्रबल भाई भैंसा हुआ? नहीं, मेरे कहने का मतलब था, मैंने रात को एक सपना देखा कि प्रबल भैया की नई भैंस तबेले से भाग रही है और मैं रस्सी का फंदा डालकर उसे पकड़ रही हूँ। सपना सुबह में आया था, मुझे लगा सच होगा, इसलिए मैं भैंस पकड़ने की प्रैक्टिस कर रही थी और ममता दीदी बीच में आ गई। छोरी ये कोई वक्त है ऐसी बचकानी हरकतें करने का? घर में मेहमान है, उसकी खातिरदारी करने के बजाय तू बबल इसे अपने कमरे में ले जा और जब तक मौसी है ये बाहर मत आने देना। जी दादी। क्या? अब चलो मैथिली के पास जाके बैठते हैं, बेचारी वो अकेले बैठी है। और ममता तू कुछ नाश्ता भी ले आ। जी दादी। क्या था ये सब? क्या था ये? तुम ममता भाभी को भैंस समझ के पकड़ रही थी, क्यों? बब्बल जी कैसे बताऊं आपको कि मैं दीदी को नहीं सुरसुरी को पकड़ रही थी। और इच्छा मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, जवाब दो। सुपा निकल कर हाथ में दे दूंगी। क्या करोगी? जुबान क्या? हाँ? कौन सी भाषा ये? कौन सा तरीका है बात करने का? हाँ? नहीं अब मैं तुमसे कुछ पूछ भी नहीं सकता। नहीं बब्बल जी वो इच्छा तुम्हारा पति हो, थोड़ी तो इज्जत दे दो। निकल जाओ यहाँ से। तुम तमीज वमीज भूल गई, क्या बोल रही हो तुम? नहीं बब्बल जी आप नहीं। छोटे तुझे दादी बुला रही है। हाँ भैया। ये सुरसुरी मेरी नजर हटी नहीं कि शायद तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ी देर आराम कर लो, मैं दादी से मिलकर आता हूं। और हाँ दादी की बात याद रखना, जब तक मौसी यहां पर है तुम कमरे से बाहर नहीं निकलोगी, ठीक है? जिस चीज का डर था वही हो रहा है, वो सुरसुरी वो अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आ रही है। जानता हूँ, अब उसे हर हालत में पकड़ना होगा। उसके लिए हमें उसके पीछे जाना होगा, जहाँ वो जाती है वहाँ जाल बिछाना होगा। हम इंतजार नहीं कर सकते कि वो खुद आकर हमारे जाल में फंसे, इतना वक्त नहीं है हमारे पास वाकू। लेकिन तुम उसके पीछे जाओगी कैसे? तुम्हें तो इस कमरे से बाहर निकलने की इजाजत ही नहीं है। वाकू तो तू यहाँ पर किस लिए है? नहीं इच्छा, मैं इच्छा बनकर यहाँ नहीं बैठूंगा। प्यार से कह रही हूँ, प्यार से मान जा, वरना मुखिया जी से तेरी शिकायत कर दूंगी, तुझे नागिस्तान वापस ले जाएंगे, फिर कभी नहीं मिल पाएगा मुझसे। क्या तुम भी ना? अब तुम्हें अपने भाई पर दया आती नहीं है तो मैं क्या बोलूँ? बन जाता हूँ इच्छा। ये हुई ना बात। लेकिन इच्छा मैं इच्छा का रूप लेकर यहाँ बैठ भी जाऊंगा फिर भी तुम बाहर कैसे जाओगी? अगर तुम्हें किसी ने बाहर देख लिया तो? उसका तोड़ निकाल लिया है मैंने। ये सुरसुरी कहाँ छिप गई, दिखाई नहीं दे रही है। किससे सुनाती है और सुना। हमारे गांव के बाहर आम का एक बगीचा था, उसके चारों तरफ लोहे की तारे लगी हुई थी। एक दिन हम सब ने मिलकर सोचा कि बगीचे में जाया जाए। लड़कियां एक दूसरे की पीठ पर चढ़कर बगीचे में कूद गई। फिर क्या था?
पेड़ पे चढ़कर आम तोड़ने की बारी आई तो हम सब में धाकड़ तो दीदी ही थी। दीदी पेड़ पर चढ़ गई, इतने में बगीचे का मालिक आ गया। फिर क्या हुआ? फिर क्या, हम ऐसे भागे कि घर जाकर ही सांस ली हमने। अरे दादी दादी दादी, फिर दादी का क्या हुआ? दादी दादी वहीं पेड़ पर चुपकर बैठी रही, अंधेरा होने पर ही घर आई। अरे वाह दादी, आप तो अपने बचपन में हमसे भी ज्यादा शरारती थी। तू भी कुछ कम शैतान नहीं था। अच्छा यहाँ? अरे इसे बोला था कि, लेकिन ये कर क्या रही है और इस तरह क्यों छिपी है? मेरा शक सही निकला, सुरसुरी फिर से कोई गड़बड़ करने की तैयारी में है। नहीं नहीं, इसे रोकना होगा। भाभी, क्या हुआ? अरे मम्मी, अरे ममता, क्या हुआ? चोट वोट तो ना लगी? नहीं, मैं ठीक हूँ। अरे तू गिरी कैसे? पता नहीं दादी, मुझे ऐसा लगा किसी ने टांग अड़ा दी है। अरे कोई बात ना, कोई बात ना। बाहू जल्दी से कहीं छुप जा। क्या हुआ? अच्छा मुझे यकीन नहीं हो रहा, एक मामूली सा राउंड जीतने के लिए तुम इस हद तक गिर सकती हो? तुमने ममता भाभी को घिरा दिया, उन्हें चोट लग सकती थी, कुछ भी हो सकता था। मैंने बब्बल जी, वो गलती हो गई, मैं उन्हें गिराना नहीं चाहती थी, मैं तो बस। इच्छा बस, कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। आज जो तुमने किया है ना, उससे मुझे बहुत तकलीफ हुई है। अब तो तुम्हारा चेहरा देखने का भी मन नहीं कर रहा मेरा। दादी अकेली है, उदास। चलो इन्हें इच्छा के खिलाफ भड़का। दादी जी आप चाय लेंगी? मैं अपने हाथों से बनाकर लाती हूँ। थारी चाय तुझे मुबारक। लेकिन दादी मैंने कुछ मत बोल छोरी, कुछ मत बोल। ये हमारे घर में जो घमासान चल रहा है ना, वो सब थारी वजह से है। अच्छा तो सारा दोष मेरा है, मैं बुरी, आप सब अच्छे। वाह दादी वाह, आप लोगों ने प्रतियोगिता शुरू की, आप लोगों ने बहुओं को आपस में लड़वाया, और आपसे तो बात करना ही बेकार है। दादी दादी मैं जा रही हूँ, आपको कुछ चाहिए तो मुझे अभी बोल दीजिए, वरना बैठे रहिए मुंह फुलाकर।
इस छोरी को क्या हो गया? ऐसी तो ना थी। अब दादी पूरी तरह इच्छा के खिलाफ हो जाएगी। अब बबल की बारी। बबल को भड़काती ईमान से डस लूंगी। बबल जी, आप यहाँ कमरे में नींद नहीं आ रही थी क्या? नींद तो मुझे यहाँ भी नहीं आएगी। मतलब क्यों? मूड ऑफ है मेरा। लेकिन बबल जी, अच्छा तुम क्यों मुझे सवाल पे सवाल किए जा रही हो? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। क्यों? क्यों बात नहीं करनी है? प्रॉब्लम क्या है आपकी? आपको कमरे में क्यों नहीं सोना? क्योंकि वहाँ तुम हो और मुझे तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना। मुझे भी कोई शौक नहीं है आपका चेहरा देखने का। मैं आपसे प्यार से बात कर रही हूँ और आप मुझे पर उखड़ रहे हैं। ठीक है, सो जाइए यहाँ। कोई जरूरत नहीं है मेरे कमरे में आने की। मैं अकेली सो लूंगी, ईमान से डस लूंगी। क्या क्या कहा तुमने? सो लूंगी। आपको आपके घर वालों का साथ देना है तो दीजिए। आखिर में खून खून के पास ही जाता है। मैं कौन हूँ जो आप? हाँ, कोई नहीं हो तुम मेरी। ऐसी घिरी हुई हरकतें करने वाली लड़की मेरी बीवी हो ही नहीं सकती। अच्छा, तो क्यों रखा है मुझे यहाँ पर? निकाल दो। जाओ, तुम्हें कोई नहीं रोकने वाला। एक तो गलती करती, ऊपर से ये घमंड। तो आप हमारा रिश्ता तोड़ रहे हैं। हाँ, आज से हमारा पति पत्नी का रिश्ता खत्म। बस, या तुम्हें और कुछ भी सुनना है? आज से ना मैं तुम्हें अपना मुंह दिखाऊंगा और ना तुम दिखाना। तुम यही सुनना चाहती थी ना? सुरसुरी, तुम्हें क्या लगा रूप सिर्फ तुम ही बदल सकती हो? मैं भी एक इच्छाधारी नागिन हूं और आज आज मैंने तुम्हारा ही दाव तुम्हारे साथ खेला। अब तुम यहां से बचकर नहीं जा पाओगी सुरसुरी। तुम्हारे नागिस्तान वापस जाने का वक्त आ गया है। तुझे बर्बाद किए बिना मैं कहीं नहीं जाने वाली। पिताजी, आप क्यों चौंक गई मुझे देखकर? तूने क्या सोचा था कि तू यहां आकर इच्छा की गृहस्थी में जहर घोलती रहेगी और हम पूंछ पर पूंछ धरे बैठे रहेंगे? मुखिया जी को मैंने बुलाया है यहां। ये तुम्हें नागिस्तान वापस ले जाएंगे। सुरसुरी, तुमने मेरे साथ जो किया सो किया। मैं जानती हूँ वो तुमने नहीं, तुम्हारे गुस्से ने, तुम्हारी निराशा ने तुमसे करवाया। और वैसे भी तुम मेरे दुश्मन तो हो नहीं, मेरे लिए तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो। इसलिए मैं तुम्हें एक मौका दे रही हूँ। अब तुम मुझे क्या मौका देगी? मैं तुझे सुरसुरी! अब भी तेरा बचपना कायम है? देखो, तुम्हारे साथ जो हुआ उसका दुख हमें भी है, लेकिन वो तुम्हारी किस्मत थी।
तुम्हें तुम्हारे प्यार से अलग करके तुम्हारे पिता को भी दुख हुआ होगा, लेकिन किसी मजबूरी की वजह से। जाने दे इच्छा, तेरी बातें इसके फन में नहीं उतरने वाली। जो सपोली अपने पिता के प्यार को नहीं समझ सकी, उससे आशा करना व्यर्थ है। खैर, तुझसे बहस करने का कोई मतलब नहीं। तुझे इच्छा का जितना नुकसान करना था तू कर चुकी, अब और नहीं। चल। चलो, एक टेंशन खत्म। लेकिन सुरसुरी ने घर में जो रायता फैलाया है उसे समेटना होगा। अब तो बब्बल जी भी नाराज हुए हैं, पहले उन्हें मनाती हूँ। अब बब्बल जी कहाँ रह गए? सॉरी बब्बल जी, मैंने आपको बहुत पहले हर्ट करो फिर सॉरी बोलो, अब तो ये हमेशा का नाटक हो गया ना इच्छा। लेकिन इस बार सॉरी बोलने से कुछ नहीं होने वाला। आज जो तुमने किया है ना, गलती हो गई, आइंदा नहीं होगी। तुमने अकेले मुझे हर्ट नहीं किया है, घर में सभी को हर्ट किया है और खास करके दादी को हर्ट किया है तुमने। अरे उन्हें तुमसे इतनी उम्मीदें थी और तुमने क्या किया आज? अब तो दादी फिर से यही सोचने लगी है कि तुमसे मेरी शादी करा के उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। नहीं नहीं बब्बल जी, मैं ऐसा नहीं चाहती थी। मैं तो पता नहीं क्या हो गया था मुझे, शायद प्रतियोगिता जीतने का जुनून सवार था मुझ पर, उसी की वजह से। लेकिन अब और नहीं बब्बल जी, मैं आपसे वादा करती हूँ मुझसे जो गलती हुई है वो फिर कभी नहीं होगी, कभी मतलब कभी भी नहीं। मैं अपनी गलतियों का प्रायश्चित करूंगी, मैंने जिन जिन लोगों को हर्ट किया है मैं उनसे भी माफी मांगूंगी। लेकिन पहले आप मुझे माफ कर दीजिए। नहीं इच्छा, इस बार कुछ ज्यादा ही हो गया। देखा बब्बल जी, मना लिया मैंने आपको, अब इसी तरह मैं सबको मना लूंगी। इच्छा तुमने मुझे तो मना लिया, लेकिन बाकी घर वालों को मनाना इतना आसान नहीं होने वाला, तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। कर लूंगी। और फिर कल प्रतियोगिता का रिजल्ट भी तो है, उसका क्या? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.